एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या का चर घातांकी रूप। ठीक है, हमने पहले सम्मिश्र संख्या पढ़ा, उसमें हमने इमेजिनरी नंबर भी पढ़ा, उसके बाद हमने सम्मिश्र संख्या का कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म किया ना। अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म करते हैं गड़बड़। ठीक है, इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि e की पावर i थीटा जो होता है वो इक्वल होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, एंड e की पावर माइनस i थीटा इक्वल हो जाता है cos थीटा माइनस i sin थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो क्या कहलाता है, आर्गुमेंट कहलाता है। थीटा ही आर्गुमेंट, ठीक है, गुणांक। तो जब भी आपको cos थीटा प्लस i sin थीटा मिले उसकी जगह हम i e की पावर i थीटा लिख सकते हैं, या उल्टा भी e की पावर i थीटा मिले तो cos थीटा प्लस i sin थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली e की पावर माइनस i थीटा को cos थीटा माइनस i sin थीटा। ध्यान रखिए इधर प्लस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो माइनस रहेगा ना। अब हमको मालूम है जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, z इक्वल x प्लस आई वाई होता है। इसको हम लिखते हैं z इक्वल r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये लिखते हैं। तो यहां से हमारा फॉर्म बनेगा, कौन सा फॉर्म लिखना है हमको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है ना। तो ये z इक्वल r e की पावर i थीटा बन गया। सिमिलरली यदि हम इसका z बार निकालना हो, z बार इक्वल हो जाएगा क्या, r cos थीटा प्लस लेकर क्या हो जाएगा माइनस i sin थीटा। तो z बार को हम लिख सकते हैं r e की पावर माइनस i थीटा। ठीक है, देखिए z इक्वल r e की पावर थीटा, क्यों, क्योंकि cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल क्या होता है e की पावर i थीटा। जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाला, हमने कॉन्जुगेट निकाला, तो प्लस जगह क्या हो गया माइनस, तो यहां भी प्लस i थीटा की जगह क्या हो गया माइनस i थीटा। ठीक है, तो z क्या रहता है r e की पावर i थीटा, z बार उसका कॉन्जुगेट संयुग्मी r e की पावर माइनस i थीटा होता है। इसी से हम और फार्मूले से हम बनाए, तो यहां देखिए हम बना सकते हैं फार्मूले क्या, z प्लस z बार, ये हमेशा किसी कॉम्प्लेक्स उसके कॉन्जुगेट में प्लस करते हैं हमेशा कौन सा नंबर मिलेगा, प्योर नंबर मिलता है, बिल्कुल विशुद्ध वास्तविक संख्या मिलेगी। तो z प्लस z बार, जब हम इस z में इस z बार को हम प्लस करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 2r cos थीटा, 2r cos थीटा इक्वल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे ये बनेगा r e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा। अब यहां से यदि हम फार्मूला बनाएं, क्या निकालना है cos थीटा, तो ये cos थीटा इक्वल r से r कैंसिल हो जाएगा यहां पर, तो क्या बचेगा e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा अपान में कितना जाएगा 2 आ जाएगा, ये cos थीटा इक्वल बन गया। नाउ हम निकालना है z प्लस z बार, तो z प्लस z बार हमें से प्योर इमेजिनरी नंबर मिलेगा, प्योर इमेजिनरी नंबर एक काल्पनिक संख्या मिलेगी। अब यहां देखिए हम z में z बार सॉरी प्लस नहीं कर रहे हैं, क्या करना है माइनस करना है, तो z माइनस z बार हमें से क्या मिलेगा z माइनस z बार, ये हमेशा प्योर इमेजिनरी नंबर मिलेगा, काल्पनिक संख्या मिलेगी। तो यहां पर देखिए z प्लस z बार को प्लस z माइनस z बार करेंगे, मतलब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो यहां पर क्या रहेगा cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2r i sin थीटा। इक्वल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं e की पावर i, इसमें से इसको माइनस करेंगे r e की पावर i थीटा माइनस r e की पावर माइनस i थीटा। अब इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है r, तो मैं दोनों का
आर कॉमन निकल के वहां लिख देता हूं। अब यहां देखिए आर से आर कैंसिल, जैसे इसमें भी आर से आर कैंसिल हो गया था। अब यहां से हमको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा ए की पावर आई थीटा माइनस ए की पावर माइनस आई थीटा अपान में टू, और कौन आ जाएगा आई आ जाएगा, तो अपान में क्या क्या टू है, यानी कॉस थीटा और ये साइन थीटा ये वैल्यू होगी। अब हम इस कंसेप्ट का यूज करके कुछ सम है उनको सॉल्व मल्टीप्लाई करना है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, इसमें मल्टीप्लाई करना है उनको कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, ठीक है। अब हमको मालूम है कि सिंस अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था e की पावर आई थीटा इक्वल क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए इधर ये थीटा की जगह क्या दे दिया है अल्फा, और इसमें क्या दे दिया है बीटा दे दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या इतने पूरे को ये इसकी तरह है, तो इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो बन जाएगा e की पावर i थीटा की जगह कौन है अल्फा इनटू इसमें थीटा की जगह कौन है बीटा, तो i बीटा हो गया। अब यहाँ बेस सेम है पावर अलग अलग है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो e की पावर i अल्फा में कौन ऐड हो जाएगा i बीटा ऐड हो जाएगा, तो दोनों में क्या कॉमन है i, तो e की पावर i अल्फा प्लस बीटा। अब इसको हम दोबारा स्टिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको क्या कॉस थीटा की जगह कौन आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन थीटा की जगह कौन आ गया अल्फा प्लस बीटा, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली एक सम और करते हैं, गिवन हो क्या कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए बोले, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, सेम वही का वही है अल्फा थीटा जगह अल्फा लिखा है, इसको लिख देंगे ए की पावर आई अल्फा अपन ए की पावर इधर क्या आ गया बीटा, तो आई बीटा। अब दोनों के बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ऊपर वाली पावर क्या है आई अल्फा, तो माइनस क्या आ जाएगा आई बीटा, दोनों में क्या कॉमन है आई कॉमन है, तो हमने आई कॉमन निकाला तो बचेगा क्या अल्फा माइनस बीटा बचा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे क्या हो जाएगा, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ये कौन सा रूप है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये हो जाएगा कॉस यानी इसमें थीटा थीटा की जगह कौन है अल्फा माइनस बीटा प्लस आई साइन थीटा थीटा की जगह कौन है अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। अब इसी तरीके से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर जो और उसमें क्या फाइंड कर सकते हैं, इसमें थीटा क्या रहता है आर्गुमेंट रहता है, और आर हमारा जो रूप रहता है वो किसका रहता है मॉडुलस का रहता है मापांक का, किसी प्रॉपर्टी का यूज करके जो लेंथ सम है उनको हम इजी करके सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका आपको आर्गुमेंट मतलब कोणांक एंड मॉडुलस मापांक फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, तो इधर हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम ऑर्गुमेंट एंड मॉडुलस दोनों निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है ये कॉस थीटा है, इतने में वन प्लस कॉस थीटा का आप डायरेक्टली फार्मूला भी याद कर सकते हैं, या फिर याद नहीं है हम क्या करेंगे कॉस थीटा का बाय फार्मूला लिखेंगे जिससे ये वन कैंसिल हो जाए, यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन एंड साइन थीटा इक्वल होता है टू साइन थीटा y2 इसमें भी y2 एंड cos थीटा y2, ये फार्मूले होते हैं, तो ये फार्मूले हम अप्लाई करते हैं इसमें, तो ये z इक्वल हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 लिखा प्लस cos थीटा बटा के इस cos थीटा बटा के लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा y2 माइनस 1 प्लस i की जगह i इस sin थीटा बटा के लिखेंगे 2 sin थीटा y2 एंड cos थीटा y2 ब्रैकेट पावर 10 की जगह क्या लिखा 10, फिर हम अपान में आएंगे, अपान में आने के बाद इसको जो सेम टू सेम लिखा अपान वाले फंक्शन को cos थीटा माइनस i sin थीटा की होल पावर 4। अब यहां देखिए ये जो प्लस का वन है माइनस के वन से कैंसिल हो गया है, अब रिमेनिंग पार्ट को लिख देते हैं, जो जो बचा हुआ है क्या बचा हुआ हमारे पास में 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस इस 2 को i 2 sin theta by 2 and cos theta by 2 की होल पावर कितनी चल रही है 10,
फिर अपान में आए क्या है cos थीटा माइनस i sin थीटा की होल पावर 4। अब यहाँ देखिए इसमें cos कॉमन है, cos थीटा बाई 2 कॉमन है एंड क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो ये दोनों चीज हम कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ब्रैकेट के अंदर 2 कॉमन निकाला एंड cos थीटा बाई 2 हमने कॉमन निकाला, तो इस ब्रैकेट के अंदर 2 वहां चला गया, cos थीटा बाई 2 1 चला गया, तो 1 बच जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस i बच गया, ये दोनों हट गए, बचा क्या i sin थीटा बाई 2 होल पावर 10 की जगह 10, बाकी को एडिटिव लिखा हमने cos थीटा माइनस i sin थीटा की होल पावर 4। अब हम यहाँ देखिए ये जो पावर 10 है इनको सेपरेट कर देंगे, इसको और इसको भी अलग अलग कर देंगे, दोनों की पावर 10 अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर फंक्शन चलेगा z इक्वल क्या बाहर निकाल रहे हैं 2 cos थीटा बाई 2 को हमने बाहर किया, ये बनेगा 2 cos थीटा बाई 2 की होल पावर 10 एंड ब्रैकेट के अंदर cos थीटा बाई 2 प्लस i sin थीटा बाई 2 की पावर में 10 रहेगा, लिखा cos थीटा बाई 2 प्लस i sin थीटा बाई 2 की होल पावर 10। अब अपान में क्या चल रहा है cos थीटा माइनस i sin थीटा की होल पावर 4। अब यहां से देखिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको तो सेम लिखा 2 cos थीटा बाय 2 की होल पावर 10, इसको हम लिख देंगे ये किस रूप में रहेगा हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्या हो जाएगा e की पावर i थीटा बाय 2 पावर 10 की जगह 10 लिख दिया, सेम इसको इसमें माइनस का साइन है तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस i थीटा की होल पावर 4। यहाँ पर देखिए ये 2 से 10 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, तो हमको क्या फॉर्म मिला 2 cos थीटा बाई 2 की पावर 10, ये बन जाएगा e की पावर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर i 5 थीटा अपॉन में e की पावर माइनस 4 का मल्टीप्लाई होगा 4 थीटा। अब ये दोनों देखिए दोनों में बेस सेम है, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, सॉरी ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे, ये बनेगा 2 cos थीटा बाई 2 की होल पावर 10। तो दोनों बेस की जगह एक बेस लिखा, ऊपर वाला क्या है e की पावर i 5 थीटा, ये माइनस है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस e की पावर i 4 थीटा, तो ये बन गया 2 cos थीटा बाई 2 की होल पावर 10, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर i 9 थीटा बन गया। अब इसमें देखिए सबसे पहले मॉड्यूलस मापांक, मॉड्यूलस इसमें देखो ये पूरा का पूरा फॉर्म इसके रूप में e की पावर i थीटा के फॉर्मेट में है, तो जो r है वो क्या कहलाएगा मॉड्यूलस कहलाएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो जाएगा 2 cos थीटा बाय 2 की होल पावर 10, ये तो मॉड्यूलस हो गया। एंड कोणांक हमको चाहिए आर्गुमेंट ऑफ z, i के कोएफिशिएंट में कितना है 9 थीटा, तो ये आर्गुमेंट ऑफ z क्या लिया कोणांक हो गया। जैसा ये समझना ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिया हुआ है, इसमें आर्गुमेंट एंड मॉडुलस निकालने के लिए बोलेंगे, हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे चर घातांक के रूप में, फिर उस समय आर्गुमेंट एंड मॉडुलस दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं लेट जेड इक्वल इस आई को क्या मान लिया कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड 1 और इस वाली को क्या मान लेते हैं जेड 2, इसकी पावर कितनी गिवन है 6 लिख दिया, ये 4 कांस्टेंट है, इसको क्या माना जेड 3 और पावर 2 की जगह 2। अब इनको इंडिविजुअल रूप से जेड 1 जेड 2 जेड 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया ठीक है ना। सबसे पहले जेड 1, तो जेड 1 में देखिए क्या हमने हमारे पास में i, तो i इक्वल क्या हो गया 0 प्लस i। अब इसमें हम आर्गुमेंट एंड मॉडुलस दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले आर्गुमेंट ऑफ जेड 1 क्या होता है tan इनवर्स y अपॉन x होता है, तो ये बन गया tan इनवर्स y, लिखना x का कोएफिशिएंट 1 और अपॉन में क्या हो गया 0। अब किसी भी नंबर के अपॉन में क्या आ जाएगा, किसी भी नंबर के अपॉन में 0 होता है तो क्या हो जाता है इंफिनिटी, तो बताइए tan के किस एंगल की वैल्यू इंफिनिटी होती है, तो tan के 90 डिग्री की वैल्यू इंफिनिटी होती है, तो कितना आ गया आर्गुमेंट ऑफ जेड 1 कितना आ गया पाई बाय 2 आ गया ना। सिमिलरली अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं मॉडुलस ऑफ जेड 1,
क्या हो जाएगा, रूट ऑफ जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ जेड वन कितना मिल गया हमको, वन मिल गया। ये आर्गुमेंट ऑफ जेड वन, ये आर्गुमेंट, तो मॉडुलस ऑफ जेड वन हो गया ना। अब हम सॉल्व करते हैं किसको, जेड टू को। तो जेड टू हमने कैसा पूछ किया है, इस वाले नंबर को ना, जेड टू कितना, इतना पूरा है, कितना है, रूट थ्री प्लस आई है। अब इसका हम पहले क्या निकालते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन निकालते हैं, निकाल रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपान एक्स, आई का कोफिशिएंट कितना है वन, और इधर एक्स कितना है रूट थ्री, तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ जेड टू इक्वल, तो टेन के किस एंगल की वैल्यू वन अपान रूट थ्री होती है, 30 डिग्री की, इसको क्या लिखते हैं पाई बाय सिक्स, ये आर्गुमेंट ऑफ कितना आ गया, जेड टू आ गया। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ जेड टू इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ रूट थ्री का स्क्वायर प्लस आई का कोएफिशिएंट कितना है वन का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो मॉड ऑफ जेड टू कितना मिल जाएगा, टू मिल जाएगा। ये हमको मिल गया आर्गुमेंट ऑफ जेड टू ना। अब क्या बचा हुआ है, जेड थ्री, इसको कैसा पूछ किया है, जेड थ्री, तो जेड थ्री कितना है, वन माइनस रूट थ्री आए, तो लिखा वन माइनस रूट थ्री आई है। अब इसका हम क्या निकालते हैं, पहले आर्गुमेंट ऑफ जेड थ्री क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y कितना है माइनस का रूट थ्री अपान x कितना है वन, किस कोऑर्डिनेट में है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, इसलिए डायरेक्टली किसका साइन आ जाएगा, माइनस का, पहले माइनस का साइन लगाया। अब टेन की किस एंगल की वैल्यू रूट थ्री बाय रूट थ्री होती है, किसकी होती है 60 डिग्री की, और 60 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई बाय थ्री, तो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड थ्री आ गया। अब हम इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं, मॉडुलस कैसे निकालेंगे, वन का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर प्लस माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो मॉडुलस ऑफ जेड थ्री कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब हमने सभी के जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर थे इनके आर्गुमेंट और हमने क्या निकाल लिया है, मॉडुलस निकाल लिया है। अब ये सब क्यों निकाला, क्योंकि हमको मालूम है कि जेड इक्वल क्या होता है, आर e की पावर आई थीटा होता है, तो आर क्या होता है मॉडुलस, और थीटा क्या होता है आर्गुमेंट। इस वजह से अब लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ देखिए जेड इक्वल क्या था, यहाँ से पहले इक्वेशन ना देके पहले हम जेड वन जेड टू जेड थ्री लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जिस का हेल्प से हम क्या लिख रहे हैं, जेड वन, तो जेड वन हमारे पास में क्या था, आई था, तो आई इक्वल क्या हो जाएगा आर, तो आर क्या रहता है मॉडुलस कितना आया है वन ए की पावर आई, कौन है थीटा, इसके लिए थीटा कितना आया है पाई बाई टू, तो ये हो गया ए की पावर पाई बाई टू, तो ए की पावर आई पाई बाई टू, ये कौन आ गया जेड वन। इसी प्रकार सिमिलरली आप क्या निकालते हैं जेड टू, जेड टू क्या था रूट थ्री प्लस आई, तो ये इक्वल में क्या हो जाएगा आर, इसका मॉडुलस कितना आया है टू, तो लिखा हमने टू, फिर कौन आएगा e की पावर i थीटा, थीटा इसका कितना आया पाई बाय सिक्स, तो लिख दिया पाई बाय सिक्स। नाउ जेड थ्री कितना है वन माइनस रूट थ्री आई, तो लिखा वन माइनस रूट थ्री आई इक्वल में क्या आएगा पहले r, इसका मॉडुलस कितना है टू, तो लिख दिया टू। नाउ e की पावर i पाई क्या आएगा इसके बाद में थीटा, तो इसका थीटा कितना आया माइनस का पाई बाई थ्री, लिख देते हैं माइनस का पाई बाई थ्री। अब ये जेड वन जेड टू और जेड थ्री की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखा हमने क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए जेड इक्वल पहले कौन आया है जेड वन, तो देखिए जेड वन कितना है ए की पावर आई पाई बाई टू, फिर जेड टू, जेड टू देखिए कितना है, जेड टू हमारे पास में है टू e की पावर आई पाई बाय सिक्स, होल पावर कितनी है सिक्स, फिर अपान में आइए कितना है फोर, जेड थ्री, तो जेड थ्री हमारे पास में कितना है ये है टू e की पावर आई माइनस पाई बाय थ्री, पावर कितनी है टू, तो टू, ठीक है। अब इनके ब्रैकेट ओपन करके हम इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा e की पावर आई पाई बाई टू, ब्रैकेट सेपरेट करेंगे इतने का, ये टू की पावर सिक्स एंड e की पावर आई पाई बाई सिक्स की होल पावर सिक्स हो गया, ये सिक्स इसकी भी पावर है इसके भी, ये फोर की जगह इस फोर को हम लिख दे रहे हैं टू का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ
ब्रैकेट सेपरेट करेंगे तो 2 की पावर 2 हो गया एंड e की पावर माइनस आई पाई बाई 3 की होल पावर 2 हो गया। नाउ इसको और सॉल्व करते हैं, इनको और इनको एक साथ लिख रहे हैं तो ये 2 की पावर 6 लिखा, इधर ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, ये 2 की पावर 4 हो गया। नाउ इधर क्या बचेगा, e की पावर i पाई बाय 2 इनटू e की पावर i पाई बाय 6 और ये i पर यहां 6 से 6 कैंसिल हो गया, केवल क्या लिख दीजिए पाई आके लिख दीजिए, यहां पर बचेगा अपन में e की पावर माइनस i 2 पाई बाय 3 बन गया। ठीक है इतना हो गया, इधर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इनको ये बचेगा फोर्स कितना बचेगा 2 की पावर 2 अकेला बचेगा, इधर e की पावर i लिखा के रख ओनली। अब यहां देखिए सब किस में है, ये दोनों इनटू में प्लस हो जाएंगे तो ये पाई बाई 2 प्लस पाई, ये माइनस के हैं तो ऊपर आके किसके हो जाएंगे प्लस के, 2 पाई बाई 3 हो गए। ठीक है ये बन जाएगा क्या 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको, आई लिखा एलसीएम कितना आएगा 2 3 या 6, यहाँ 3 पाई हो गया, यहाँ 6 पाई हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 4 पाई, तो ये 4 e की पावर i तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 पाई बाय 6, ये i अलग है। अब इसमें देखिए मॉडुलस ऑफ z लिखना है तो मॉडुलस ऑफ z कितना मिल गया हमारे लिए 4, और इसी का आर्गुमेंट ऑफ z लिखना है तो आर्गुमेंट देखिए कितना है 13 पाई बाय 6, लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको कितने में से माइनस करेंगे 2 पाई में से, 2 पाई में से माइनस करके सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 5/6, तो ये हो गया सॉल्व। क्या कंसेप्ट करना था हमारे लिए, सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे इनको z1 z2 z3 लिखा तो ये z1 z2 z3 को हमने सॉल्व करके इनको किस क्या निकाला, इनका आर्गुमेंट और मॉडुलस निकाला, z2 का भी आर्गुमेंट और मॉडुलस निकाला, z3 का भी आर्गुमेंट और मॉडुलस निकाला। क्यों, क्योंकि इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके जो कैंसिल हो रहा था उनको कैंसिल किया और फाइनल में हमने ये मॉडुलस और ये आएगा कोफिशिएंट जो रहेगा वो थीटा क्या कहलाता है आर्गुमेंट ऑफ z कहलाता है। शर्त गिवन है आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल i ln a प्लस ib a माइनस ib, तो इसको सॉल्व करने से पहले लेट a की जगह हम पुट करेंगे cos थीटा एंड d की जगह क्या पुट कर देंगे sin थीटा, a को हटा के क्या लिखना है cos थीटा और b को हटा के लिखना है sin थीटा, तो ये हमारे पास में सम हो जाएगा कि आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल में ये बन जाएगा i की जगह i ln की जगह ln, ln क्या होता है log होता है a, a को हटा के क्या लिखना है cos थीटा प्लस i, b को हटा के क्या लिखना है sin थीटा, ऐसे अपन में a को हटा के ये cos थीटा माइनस किया गया माइनस लिखा i की जगह i एंड b को हटा के क्या लिख दिया sin थीटा लिख दिया। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, i ln ये पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है e की पावर i थीटा, ये पूरा क्या हो जाएगा e की पावर माइनस i थीटा, इसको और आगे सरल किया i ln e की पावर i थीटा ये माइनस की पावर है ऊपर आके किसके हो जाएगी प्लस की i थीटा। अब यहां देखिए इनके बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी तो e की पावर इस i थीटा में कौन प्लस हो जाएगा i थीटा प्लस हो जाएगा, तो यहां पर ये आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा क्या है i की जगह i ln की जगह ln, तो ये बन गया e की पावर i थीटा और i थीटा कितना हो जाएगा i 2 थीटा हो जाएगा। अब यहां से हमको मालूम होना चाहिए कि जो ln होता है वास्तव में वो log बेस e वाला होता है, therefore तो ये आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा i की जगह i, इस ln को हटा के हम लिखेंगे log e और e की पावर i 2 थीटा, जब ये बेस ये दोनों सेम हो जाते हैं तो ये पूरा हट जाएगा, तो यहां पर आर्गुमेंट ऑफ z i ये पूरा का पूरा हट जाएगा, बचेगा क्या i 2 थीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए i का i में तो बन जाएगा i स्क्वायर 2 थीटा, अब i स्क्वायर 2 i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस में तो माइनस 2 थीटा हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 माइनस 2 थीटा
प्लस जीरो आई लिख सकते हैं। ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है क्या टेन इनवर्स वाई अपॉन एन, तो ये बन गया टेन इनवर्स, तो वाई कितना है जीरो और एक्स कितना है माइनस के टू थीटा, तो ये क्या बन गया टेन इनवर्स जीरो बन गया। अब टेन के किस एंगल की वैल्यू जीरो होती है, तो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड बन जाएगा, तो टेन के जीरो डिग्री जीरो होती है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो गया जेड हो गया। अब इसी में यदि आपको निकालना होता मॉडुलस ऑफ जेड, ये बन जाएगा अंडर रूट टू रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस टू थीटा का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना ओनली टू थीटा। इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करके जो टफ से टफ सम्स होते हैं उनको इजी करके सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे सम्स आईआईटी जेईई में ज्यादातर आती हैं।